हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आज से क्लास 11 का बच्चों हम लोग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी करना सीखेंगे। हम आपको यहाँ बताएंगे कि अकाउंटिंग करने की आवश्यकता ही क्यों है, वाई वी नीड टू स्टडी अ सब्जेक्ट नेम अकाउंटेंसी, और वाई वी नीड टू लर्न अकाउंटिंग, राइट ना? तो ये किसके किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ये तो जान लीजिए। आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, 12 के हो, बीकॉम के हो, सीए से हो, सीएस से हो, सीएमए से हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बच्चों, आप सिर्फ मेरे को 20 से 25 मिनट दीजिए और फिर आगे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करिए। मैं आपको सारे के सारे अकाउंटिंग टर्म्स को और अकाउंटिंग में वर्ड यूज़ होने वाले वर्ड्स को समझा दूंगा। बस आपको मेंटली एब्सेंट नहीं रहना है पढ़ते वक्त, आप क्या करना है आपको कि फिजिकली प्रेजेंट तो रहते ही हैं आप लोग क्लास में, मेंटली एब्सेंट नहीं रहना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर जो भी टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से, अगर सारी की सारी बातों को आप समझेंगे तो आप फिर इस तरीके से पढ़ चुके होंगे कि आप किसी को पढ़ा देंगे। तो देर ना करते हुए बच्चों हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो टॉपिक हम जो आपके लिए लेके आ रहे हैं बच्चों, वो अकाउंटिंग होता क्यों है और हमें करने की ज़रूरत क्यों है। सर, आखिर अकाउंटिंग किया क्यों जाता है, इसकी ज़रूरत ही क्यों है? ठीक है, पहले तो मैं आपको व्हाट इज़ अकाउंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले पढ़ाऊंगा व्हाई वी नीड टू स्टडी अकाउंटिंग। हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, हमें जानने की आवश्यकता क्यों है। बच्चों, सबसे पहले ये जानिए कि अगर आप अपने इर्द गिर्द जो भी बिजनेस देख रहे होते हैं, आप अपना एक बार आंख बंद करिए और आप फिर अपना आंख खोलिए। आपके इर्द गिर्द जो भी आपको बिजनेसेस दिखेगा, व्यापार दिखेगा, तो आप सबको पता है कि उस बिजनेस या व्यापार में बहुत सारे लेन देन होते हैं। ऑब्वियसली बात है भैया, कोई भी ऐसा बिजनेस होगा जिसमें कोई लेन देन नहीं होंगे, ठीक है, बहुत सारे लेन देन होते हैं। एक बात बताइए कि उस बिजनेस में होने वाले लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन्स को क्या आप याद रख सकेंगे? नहीं सर, पॉसिबल तो नहीं है। हो सकता है कि जब आपने बिजनेस नया नया स्टार्ट करा हो, नई नई बिजनेस स्टार्ट करा हो, तो ट्रांजेक्शन्स यानी कि लेन देन कम हो, क्योंकि होता ऐसा है कि जब आप कोई बिजनेस का शुरुआत करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम एक से ही तुरंत आपकी बिजनेस चल पड़ी और एकदम आप मार्केट में छा गए। नहीं, धीरे 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 बिजनेस ग्रो करता है। तो जब आप ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, स्टार्ट होता है बिजनेस का, तो उस समय होता है क्या कि लेन देन कम होता है ना, ट्रांजेक्शन्स कम होता है। हो सकता है भर दिन में 2-4-5 ट्रांजेक्शन्स हो, और इन ट्रांजेक्शन्स को हो सकता है कि आप याद रख लें। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, मार्केट में आप रेप्यूटेटेड हो जाओगे, मार्केट में आपकी बहुत अच्छी गुडविल यानी कि ख्याति हो जाएगी, तो ऐसे स्थिति में बच्चों आपके बिजनेस में होने वाला लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस में जो होने वाले ट्रांजेक्शन हैं वो बढ़ जाएंगे। जब नया नया था तो भर दिन में 5 ट्रांजेक्शन्स होते थे, अब सारे के सारे दिन में 500 ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। अगर मान लो बच्चों कि भर दिन में 500 ट्रांजेक्शन हो रहा है या 1000 ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो 30 दिन में कितने हो गए? सर, 30 दिन में तो सर बहुत हो गया, 30,000 ट्रांजेक्शन हो गया। तो बताओ बच्चों, अगर 30 दिन में 30,000 ट्रांजेक्शन हो गया तो साल भर में कितना ट्रांजेक्शन हुआ? आप कैलकुलेट करके देखिए कि 30 दिन में अगर 30,000 ट्रांजेक्शन होता है तो 365 दिन में कितना ट्रांजेक्शन हो जाएगा? क्या ये सारे ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन को आप याद रख पाएंगे? संभव ही नहीं है सारे ट्रांजेक्शन्स को आप याद रख सकें। तो ऐसे स्थिति में बच्चों करना क्या होता है कि हम अकाउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करने की क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि व्यापार में होने वाले लेन देन को, बिजनेस में होने वाले ट्रेड को, सॉरी बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को आप याद नहीं रख सकते भरबली। तो फिर ऐसे स्थिति में बच्चों क्या करना पड़ता है, हमें अकाउंटिंग करने की आवश्यकता होती है। अकाउंटिंग करने का सिंपली मतलब होता है, अभी के लिए समझिए बच्चों, कि जो आपने लेन देन करा है, आपने जो ट्रांजेक्शन्स करा है व्यापार के लिए, उसे रिकॉर्ड कर लेना, लिख लेना। सिंपली समझ में आ रहा क्या करना? लिख लेना, ताकि फ्यूचर में आप क्या कर सकें, फ्यूचर में रेफरेंस ले सकें, या फिर किसी को रेफरेंस दे सकें, या फिर फ्यूचर में आपको ये पता चल सके, समझ रहे हैं, कि हमने पूरी साल भर में कितना ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन किया है, किससे ट्रांजेक्शन किया है, किससे लिया है और किससे दिया है, इन सारी चीज़ों का अनुभव और आपको पता हो। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ क्या लिखा है बच्चों, बिजनेस
बिजनेस के नीचे क्या लिखा, बिजनेस में बड़े सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे आप बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं, फिर उस चीज़ को बेचते हैं। अगर आपके बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो आप स्टाफ रखेंगे, स्टाफ को सैलरी देंगे। अगर आपकी वो जो बिजनेस जिस जगह पे कर रहे हैं अगर वो खुद का नहीं हो, ठीक है, तो फिर आप क्या पे करोगे बच्चों, रेंट पे करेंगे। ठीक है, बिजनेस के लिए अगर आपका कोई शोरूम वगैरह टाइप का कोई चीज़ है तो इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब व्यापार में होने वाले लेन देन है। इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को आप जानते हैं कि पूरे साल भर आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो कितने बार परचेज करेंगे, क्या क्या परचेज करेंगे, किस किस अमाउंट में परचेज करेंगे, क्या इतना याद हो पाएगा? नहीं सर, इतना याद रहना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, टाटा की बात करें, मारुति की बात करें, या फिर आपके घर के सामने अगर कोई मॉल है, या फिर आपके घर के सामने अगर बिग बाजार है, अगर आप उसको देखो बच्चों, बताइए साल भर वो कुछ ना कुछ परचेज करता है, और साल भर डिफरेंट कस्टमर्स को कुछ ना कुछ चीज क्या करता है बच्चों, बेचा करता है। तो क्या उसे याद रहेगा बिना अकाउंटिंग के ये संभव है कि किस कस्टमर को कितना बेचा गया और कौन कौन सा सामान बेचा गया? अगर मैं पूछ दूं आपसे कि बताओ मई 13 तारीख को कितने सामान किस कस्टमर को किस प्राइस पे बेचा, संभव ही नहीं है बिना अकाउंटिंग किए हुए, बिना रिकॉर्डिंग किए हुए, बिना लिखे हुए उस बात को आप क्या कर सकें, याद कर सकें। इसलिए बच्चों अकाउंटिंग की महत्व बहुत बढ़ जाती है। ये एक ऐसा काम है बच्चों जो आप बचपन से करते आ रहे हो। हम और आपके घर में भी अगर मम्मी पापा 100 रुपये हमें देते हैं तो बाद में हमसे क्या लेते हैं, हिसाब लेते हैं, ठीक है, कि बताओ कितना पैसा किस किस जगह कैसे कैसे खर्च किया। तो फिर हम और आप अपने मम्मी को क्या करते हैं, अपने तरीके से बताते हैं कि मम्मी तुमने 100 रुपया दिया था, 100 रुपये में ये चीज़ इतने का लिया, ये चीज़ इतने का लिया, 5 रुपये का मैंने खाया और ये रेस्ट पैसा बचा है, ये ले लो तुम। समझ में आ रहा? लेकिन बच्चों ये अपने से बनाया हुआ अकाउंटिंग का फॉर्मेट है, अपने से डिजाइन किया हुआ अगर आप फॉर्मेट अपने तरीके से अकाउंटिंग प्रस्तुत करोगे बच्चों, तो फिर दूसरे व्यक्ति को हो सकता है कि समझ में ना आए। बात समझ में आ रहा है? हम और आप सब अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग बनाकर अगर प्रस्तुत कर देंगे बच्चों, तो फिर ये हो सकता है कि यूजर्स को, हमारे अलावा और भी बड़े सारे यूजर्स हैं जो हमारे और आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, या हमारे और आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरेस्टेड हैं। समझ में आ रहा है? आज का बिजनेस सिनारियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जैसा बिजनेस को मत समझिए, आज के डेट में बिजनेस में बच्चों, बिजनेस में पैसा सिर्फ ओनर्स का ही नहीं लगा होता है, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है इस बिजनेस में। अगर हम रिलायंस की एग्जांपल ले लूं आपके सामने, तो रिलायंस में पैसा सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अंबानी जी का ही नहीं लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो फिर सारे के सारे लोग उस कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्टेड है, दे वॉन्ट्स टू नो कि बिजनेस कैसा चलाया जा रहा है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, यस ना? और ये पता कैसे चलेगा बच्चों, जब कंपनी या बिजनेस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अकाउंटिंग करेगी, और उस अकाउंटिंग को देखने के बाद यूजर्स को ये पता चल सकेगा कि भैया हम जिस बिजनेस में पैसा लगाए हैं, या फिर जिस बिजनेस में हम इंटरेस्टेड हैं, वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है। तो कुल मिलाकर बात क्या आया बच्चों कि अकाउंटिंग करने की आवश्यकता ही क्यों है, कि बिजनेस में बड़े सारे लेन देन होते हैं, अगर इस लेन देन को रिकॉर्ड ना किया जाए तो फिर ऐसे स्थिति में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। बच्चों दूसरी बात, हर ओनर जो बिजनेस कर रहा होता है और बिजनेस करता है, हर एक ओनर का दोस्त मेन मोटिव होता है। आप भी आज अगर बिजनेस खोलेंगे, हम भी अगर कोई बिजनेस खोलेंगे, या कोई भी व्यक्ति अगर कोई बिजनेस खोलता है, स्टार्ट करता है बच्चों, तो जो उसका मेन मोटिव होता है ना, वो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। बच्चों बताइए कि आप अगर साल भर बिजनेस करते हो सकता है कि मोटा मोटी तुम बता दो कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, बिना अकाउंटिंग किए हुए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बच्चों तुम्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तुमने जो बिजनेस किया था उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तुम कह रहे हो कि सर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ तुमसे पूछ दूँ कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने लाख का प्रॉफिट हुआ, कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कितने हजार का प्रॉफिट हुआ, आप नहीं बता पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये अकाउंटिंग है जिसको करके हमें पता चलता है एग्जैक्ट साल के दौरान कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, राइट ना बच्चों?
तो मैंने आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस में बड़े सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उस ट्रांजेक्शन्स को वर्बली ऐसे ही मौखिक रूप से याद करना पॉसिबल नहीं होता है, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर्स में हम क्या कर सकें, रेफर कर सकें, जान सकें कि हमने पूरे साल में कितना लेन देन किया है। इसके अलावा मैंने कहा आपको कि हर एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव होता है दोस्तों बिजनेस करना एंड मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, एंड ये प्रॉफिट उसे कैसे पता चलेगा, जब अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, राइट ना। क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस का मतलब समझते हैं, जैसे चाय बनाना भी बेटा एक प्रोसेस है। जब किसी प्रोसेस की बात होती है ना, तो प्रोसेस में हम कुछ कर रहे होते हैं। तो कभी अगर आपने चाय बनाया होगा तो आपको अनुभव होगा कि चाय कैसे बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले आप चाय पत्ती डाल देते होंगे, फिर चीनी डालते होंगे, फिर बाद में दूध डालते होंगे और खौला के उतारते होंगे। नहीं बेटा, ये गलत प्रोसेस है, राइट ना। तो जब मैं प्रोसेस की बात करूंगा तो सीक्वेंस में ही काम होगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही चलेगा। सबसे पहले अगर अकाउंटिंग की बात की जाए बच्चों, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला काम होता है बिजनेस में होने वाले लेन देन। ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है लेन देन, है ना। लेन देन का मतलब जब आप किसी दुकान पे जाकर कोई सामान खरीदते हैं तो आपने कुछ लिया और उसको कुछ दिया, सामान आपने लिया बदले में पैसा दिया, इसी को ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहला काम होता है अकाउंटिंग में कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए। याद रखिएगा बच्चों, सिर्फ उसी लेन देन यानी ट्रांजेक्शन्स को लेना है जो बिजनेस से रिलेटेड है। यानी कि अगर कोई ऐसा लेन देन हो जिसका उस व्यापार से कोई संबंध नहीं हो, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं हो, आपने कोई खर्च किया है, आपको कोई इनकम हुआ है, लेकिन उसका कोई उस व्यापार से लेना देना नहीं है, तो ऐसे सारे लेन देन को हम लोग नहीं दिखाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि पहला प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जो पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं वो कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। और जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन किसका करना है आपको, बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन। एक शब्द में बोलूं तो सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को लिया जाएगा जो उस बिजनेस से रिलेटेड है। बात समझ गए, चलिए सर पहला बात समझ गए, तो दूसरी बात पे आते हैं बेटा। दूसरा प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जब आपने एक बार बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को पहचान लिया बेटा, तो दूसरा काम होगा उसको उस आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी आप मेजर किस में करेंगे, मेजर किया जाएगा बच्चों इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे। मतलब ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर टेकन विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट ना। सिर्फ उसी लेन देन को लिया जाएगा जिस जो किससे लेन रिलेटेड है, मनी में, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे सर एग्जांपल मैं बताऊं, ठीक है, जैसे आपने 10,000 रुपए का कोई गुड्स खरीदा तो एक वैल्यू है ना 10,000 रुपए का, आपने 5,000 का गुड्स किसी को बेचा तो ये 5,000 उसकी वैल्यू है ना, तो सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को लिया जाएगा जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, राइट ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों कि मान लीजिए कि मेरा एक स्टाफ है जो मेरा एक बिजनेस है जिसमें एक स्टाफ है, बहुत होनहार स्टाफ है, बहुत अच्छा काम करता है, दिन भर में सबसे ज़्यादा सेल उसी के द्वारा किया जाता है। उस स्टाफ को मैं एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट ना। एक बिजनेस से मैं अपने दूसरे, क्यों, क्योंकि मेरा दूसरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अपने इस बिजनेस से उस स्टाफ को उठाकर दूसरे बिजनेस में रख रहा हूँ। तो याद रखिएगा, ऐसे इस काम से मेरे पहले बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा, कितनी की लॉस होगी मुझे, ये मुझे पता नहीं है। इस ट्रांजेक्शन्स को हम मनी, इस इवेंट को हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझने का कोशिश करिएगा कि हम किसी बिजनेस के लिए, मेरी एग्जांपल लीजिए, हम किसी बिजनेस के लिए मान लीजिए मेन व्यक्ति हैं, की पर्सन है, और अगर उस बिजनेस को हम छोड़कर चले जाते हैं तो ये एक इवेंट है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन इस इवेंट के चलते उस बिजनेस को बेटा लॉस तो होगा, मेरे छोड़ने के कारण लॉस तो होगा, लेकिन कितने का लॉस होगा, कितने रुपए का लॉस होगा, क्या आप इसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चों। तो फिर इस इवेंट को आप क्या कर सकते हैं, नहीं रिकॉर्ड कर सकते, याद रखना, याद रहेगा। या फिर आपके बिजनेस में काम करने वाले वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया, अब स्ट्राइक और हड़ताल करने की वजह से आपका बिजनेस पे असर पड़ेगा, ठीक है,
तो ये कितने का असर पड़ेगा, कितने अमाउंट का आपका लॉस होगा, इस लॉस को आप क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। लॉस तो है, अगर हड़ताल पे कर्मचारी चला जाता है, काम ठप हो जाता है, तो लॉस तो होगा, लेकिन कितने का होगा ये मुझे पता नहीं है। चलिए, वेरी गुड, समझ गए होंगे। जब ये दो काम हो जाता है बच्चों, दो काम कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सबसे पहला क्या काम है, आइडेंटिफिकेशन, अगर आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो किसके बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को दूसरा काम हम लोग करते हैं, मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर ये हो गया तो तीसरा काम हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किया जाता है बच्चों एक सब्सिडरी बुक में, रिकॉर्डिंग किया जाता है एक सब्सिडरी बुक में जिसका नाम है जर्नल। जर्नल क्या होता है बेटा, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए जर्नल एक बुक है, एक सब्सिडरी बुक है जिसमें बिजनेस में होने वाले सारे लेन देन को, ट्रांजैक्शन को एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया जाता है। आपने परचेज किया, रिकॉर्ड कर लिया, आपने किसी को सेल किया, रिकॉर्ड कर लिया, आपने फिर परचेज किया, रिकॉर्ड कर लिया, आपने फिर किसी को सेल किया, रिकॉर्ड कर दिया, आपने रेंट पे किया, रिकॉर्ड कर लिया, आपने सैलरी पे की, रिकॉर्ड कर दिया, मतलब बिजनेस में होने वाले सारे लेन देन को एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया जाता है जिस बुक में, उसी बुक को क्या कहते हैं बच्चों, जर्नल कहते हैं। जब आप जर्नल रिकॉर्ड कर लेंगे जर्नल में, तो नेक्स्ट मेरा प्रोसेस है क्लासिफिकेशन। बच्चों क्या क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करने का मतलब ही होता है बेटा ऑर्गेनाइज करना। क्या ऑर्गेनाइज करते हैं बेटा, जितने भी सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम लोग एक दूसरे बुक में एंटर कर लेते हैं, दूसरे बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसे लेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेजर कहा जाता है, ठीक है। पहला कौन था, रिकॉर्डिंग करते हैं एक बुक में जिसे जर्नल कहेंगे। फिर क्या, उस जर्नल में से जो एक सिमिलर नेचर वाले जितने लेन देन होंगे उसे उठाकर अलग अलग अकाउंट में बना दिया जाएगा, उसे लेजर कहा जाता है। जैसे कि इस जर्नल के अंदर जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो हम लोग कैश अकाउंट अलग से बनाकर दिखा देंगे, जितना परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसके लिए परचेज अकाउंट डाल देंगे, ठीक है। जितना सैलरी से रिलेटेड लेन देन है सैलरी अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। जितना रेंट से रिलेटेड है रेंट अकाउंट में डाल देंगे। इससे हेल्प क्या मिलेगा बच्चों कि फ्यूचर में अगर सोचिए 365 दिन का ट्रांजेक्शन हो रहा है बेटा, और उस 365 दिन के ट्रांजेक्शन में हम कितने बार परचेज किए होंगे, किससे किससे परचेज किए होंगे, ठीक है ना। जैसे राम से परचेज किए तो राम का अलग अकाउंट बना दिए, श्याम से परचेज किए श्याम का अलग अकाउंट बना दिए, ठीक है, मोहन से किए मोहन का अलग अकाउंट बना दिए। इससे क्या होगा बच्चों कि पूरी साल में हमने राम से रिलेटेड कितना पैसा लिया, राम को कितना पैसा दिया, ये सारा का सारा राम अकाउंट हमको बता देगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि जर्नल में 365 दिन के ट्रांजेक्शन में उसको ढूंढते रहिए, अगर 5,00,000 ट्रांजेक्शन हुआ तो 5,00,000 में जा जाकर ढूंढिए कि कहाँ राम है, कहाँ राम है, कहाँ राम है, फिर उसका टोटल लगाइए। तो इससे अच्छा है बच्चों कि उस जर्नल में से जितने भी राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो राम अकाउंट में डाल देंगे, कैश से रिलेटेड जितने बार कोई ट्रांजेक्शन अगर कैश को इफेक्ट किया है तो कैश अकाउंट में डाल देंगे, सैलरी जितने बार जिसको जिसको पे किया है, मतलब सिंपल मतलब है कि जर्नल में से जितने भी एक नेचर के लेन देन है सबको निकाल कर अलग अलग अकाउंट में क्लासीफाई कर देना ही क्या कहलाता है बच्चों, क्लासिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक बात है। आशा करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। क्लासिफिकेशन करने का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, अलग अलग अकाउंट में डाल देना। इससे क्या होगा कि भविष्य में आपको ये पता चलेगा कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा हम पे किए हैं, कितना एक्सपेंसेस हुआ है सैलरी के रूप में, रेंट के रूप में। नहीं तो आपको उस 5,00,000-10,00,000 के भीड़ वाले ट्रांजेक्शंस में से खोज खोज के हालत खराब हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलिए, उसके बाद जब आप क्या कर लेते हो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो, उसके बाद जब आप मेजर कर लेते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, तीसरा जब आप रिकॉर्ड कर लेते हो जर्नल में, चौथा जब उसमें से क्या करते हैं क्लासिफिकेशन कर देते हैं, मतलब अलग अलग अकाउंट बना करके रख देते हैं, तो फिर नेक्स्ट आ जाता है बच्चों समराइज करना, समरी बनाना। समरी बनाने का मतलब होता है टोटल करना। क्या करना, टोटल करना। याद रखिएगा कि
कोई भी बिजनेस में, ध्यान से समझिए, कोई भी बिजनेस में जो उसका ओनर होता है ना, वो दे वॉन्ट्स टू नो और ही वॉन्ट्स टू नो कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है और हमें या लॉस हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, समराइजिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस देखिए मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बना करके हम ये पता करते हैं कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, बिजनेस के शुरुआत में कितना, कैसी स्थिति थी बिजनेस की, और साल के अंत में क्या है, साल के शुरुआत में फाइनेंशियल पोजीशन क्या था बिजनेस का और साल के अंत में क्या है पोजीशन। समझ में आ रहा है, समराइजिंग प्रोसेस में हम एक समरी निकाल लेते हैं, एक टोटल निकाल लेते हैं किस चीज का, सारे अकाउंट्स का। ये जो हमने सारे अकाउंट्स बनाए हैं ना, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, रेंट अकाउंट, इसका एक समरी तैयार कर लेते हैं और जिसके बेसिस पे हम ये तय कर पाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो समराइजिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समरी निकालते हैं, क्रक्स निकालते हैं इसका। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, इसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत हम लोग पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, ये सब धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में आप समझेंगे। बैलेंस शीट निकालकर, बैलेंस शीट बनाकर हम ये पता करते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितना एसेट्स है बिजनेस के पास, कितना लायबिलिटीज है। बात समझ में आ रहा है। तो समराइजिंग प्रोसेस में बच्चों क्या किया जाता है, समराइजिंग प्रोसेस के तहत हम लोग बनाए हुए अकाउंट्स का समरी निकाल लेते हैं ताकि यह एसर्टेन कर पाएं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बिकॉज मैंने आपको सारा कारण बताया है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये सब आगे हम आपको बताएंगे, बैलेंस शीट क्या होता है ये आगे बताएंगे, फिलहाल शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने का मतलब होता है बच्चों कि जो आपने अकाउंटिंग करा है, अकाउंटिंग के बेसिस पे पता लगाया है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो किस वजह से हमारा बिजनेस में और प्रॉफिट लॉस हो, किस वजह से हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, या क्या और करें कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हो, लॉस कम हो। अगर हमारे दो चार ब्रांचेस हैं, चार पांच ब्रांचेस हैं, तो कौन सा ब्रांच अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ब्रांच अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये एनालाइज करना, ठीक है। पिछले साल एक ए नाम का ब्रांच था, उसने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, इस साल 3 लाख कमाया, तो किस वजह से ये 2 लाख रुपए की कम प्रॉफिट हुई है। कोई ब्रांच है जो पिछले साल 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, इस साल 15 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो क्या कारण की वजह से ये प्रॉफिट बढ़ा है। बात समझ में आ रहा है ना, ये चीज एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है ना, ये होता है इस प्रोसेस में। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो ऊपर में सारा काम किए हैं उसके बेसिस पे यह जान पाते हैं कि हमें फ्यूचर में और क्या करना चाहिए कि हमारा बिजनेस ग्रो करे। समझ में आ रहा है, क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमें कम से कम लॉस हो। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, हमने सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को लिया जो बिजनेस से रिलेटेड है, फिर उसी ट्रांजेक्शन को लेना है जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकते हैं, उसके बाद उसको हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद हम लोग उसका समरी निकाल लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, और लास्ट जो है बच्चों वो कम्युनिकेटिंग या फिर रिपोर्टिंग टू यूजर्स। मतलब लास्ट में क्या होता है ना, ये जो भी आपने अकाउंटिंग डेटा या इंफॉर्मेशन तैयार करा है, इसको क्या करना है बच्चों, रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, किसको, यूजर्स को। अब ये यूजर्स कौन होता है और क्यों कम्युनिकेट करें यूजर्स को, तो सबसे पहले बच्चों यूजर्स होते हैं, हो सकते हैं इंटरनल यूजर्स, हो सकते हैं एक्सटर्नल, राइट ना, यूजर में भी इंटरनल, यूजर में भी एक्सटर्नल, दे इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, दे आर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर हैं और ये आपके बिजनेस से इंटरेस्टेड हैं, और जब कोई आपके बिजनेस से इंटरेस्टेड हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस में होने वाले सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिवील करो, आप उसको दो, बताओ कि हमने सारे साल बिजनेस करा है और बिजनेस करने के बाद ये इंफॉर्मेशन सामने आई है। ध्यान से समझिए, तो कम्युनिकेटिंग और रिपोर्टिंग किसको किया जाता है, यूजर्स को, और यूजर्स कौन होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यूजर्स वो पर्सन होते हैं बच्चों, इसे स्टेक होल्डर्स आप मान सकते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहा, स्टेक होल्डर्स बोल रहा हूं, इसे आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, इसलिए आपको इसे क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। आज के डेट में क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा,